साइलेज तैयार हो गया और मैंने 60 किलो के लगभग बोला था, लेकिन ये 100 किलो के लगभग हो गया। मेरा अनुमान था कि इसमें 60 किलो आएगा, लेकिन इसे जब प्रेस दिया गया, बैठाया गया, जैसा कि साइलेज बनाने के जो तरीके होते हैं उसके अनुसार ये 100 किलो लगभग इसमें आ गया है। और हमने अच्छी तरीका से इसको करने के बाद, दबाने के बाद, और ये देखिए दोस्तों, नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरे भरे खेत के बीच में मैं हूँ। यदि आप बकरी पालन करते हैं या बकरी पालन करने की योजना है तो वीडियो को पूरा देखें। मैंने हर वीडियो जमीनी स्तर पर बनाया है, यानी काम को करके दिखाया है कि किस तरीका से आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। महीने में 25 दिन मैं ट्रेनिंग में रहता हूं, मैं मान्यता प्राप्त ट्रेनर हूं बकरी पालन का, और सरकारी संस्था में पढ़ाता हूं और प्राइवेट बैच भी अपना चलता है। और इधर मैंने फ्री ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज किया है कि जिन किसान भाइयों के पास पैसे की किल्लत है और वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और पैसे की मजबूरी से ट्रेनिंग वो नहीं ले रहे हैं तो मेरे पास आके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं लगभग ना के बराबर खर्च में। तो दोस्तों, यदि आप बकरी पालन में सफल होना चाहते हैं तो इस तरीका का वीडियो, जमीनी स्तर का वीडियो जरूर देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खेत में आया हुआ हूं और जहां तक आप देख रहे हैं हरे हरे चारे आपको नज़र आ रहे हैं, और ये बकरियों के लिए है। तो बकरियों के लिए अगर भरपूर व्यवस्था आप करते हैं तो बकरी पालन में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आज मैं बताऊँगा कि बकरियों को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाले बरसात में कैसे हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। इधर जो आप देख रहे हैं मक्का है, मक्के का साइलेज बना के किस तरीका से बकरी पालन आप कर सकते हैं, साइलेज किस तरीका से बना सकते हैं, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि बकरी पालन में आप सफल होना चाहते हैं तो जानकारी तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ ही हरे चारे की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। ये हरे चारे का व्यवस्था आपके पास है तो कम खर्च में आप बकरी पालन कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लंबा दूरी में हरे चारे का व्यवस्था किया हूँ, और ये मक्का मैंने लगा के देखा रखा है, और इधर से लेकर उधर सारे खेत में मक्का लगे हुए हैं, लगभग 3 एकड़ में मक्का और नेपियर। यदि मेरे पास वो ड्रोन वाला कैमरा ऊपर उड़ के जो सीन लेता है वो उसका सुविधा होता ना तो मैं आपको दिखाता और आप खुश हो जाते, लेकिन मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, जमीनी स्तर का आदमी हूँ। जो भी दिखाना होगा इसमें मोबाइल से ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो इधर मक्का भरपूर मात्रा में रोपा हुआ है, और मक्के का इस बार मैं फर्स्ट बार साइलेज बनाने का प्लान किया हूँ। साइलेज का मतलब हुआ पशुओं का अचार। तो यदि आप साइलेज बना के रख लेते हैं तो बाकी दिनों में भी, यानी 12 महीना खिला सकते हैं। खास करके बरसात में आपके जो चारे की किल्लत है उसकी कमी को ये पूरा कर देगा। तो यदि आप साइलेज बनाते हैं तो ये जो मक्का आप देख रहे हैं इसमें कम से कम 60% इसके दाने हो जाने चाहिए। देखिए इसमें दाने आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके दाने यानी सांचे के रूप में आ चुके हैं। तो ये साइलेज बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, और इसका मैं थोड़ा सा डेमो साइलेज बना के थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा। यदि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं इसका जो साइलेज किस तरीका से बनाएं बकरियों के लिए इसका डेमो आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ा मात्रा में भी पशु को आप देते हैं तो पशु को सेहत में लगेगा। और ये मैं पहले साइलेज कभी खिलाता नहीं था क्योंकि मेरे पास भरपूर मात्रा में हरे चारे हैं और 12 महीने के लिए हरे चारे हैं। मैंने बहुवर्षीय चारा नेपियर लगा के रखा है जिससे मेरे हरे चारे की पूर्ति हो जाती है, और मैं ग्रामीण आदमी हूँ, किसान हूँ, तो हरे चारे की कभी किल्लत है नहीं। लेकिन साइलेज बनाने का पीछे मकसद है ताकि जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं किस तरीका है साइलेज बना के लाभ उसका उठा सकते हैं, ये मैं वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। बकरी पालन में मैं यही कहूंगा कि यदि जानकारी है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, जमीनी स्तर का आपको ज्ञान है और आप अपने आप को किसान समझते हैं, यानी कोई क्या कह रहा है उस पर गौर नहीं करते, बस अपना मेहनत करते हैं और एक जुनून है कि मैं सफल हूँ, तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। आप कहीं भी हैं, जहाँ हैं, आप वहाँ बैठे बैठे बिल्कुल मेरे से प्रैक्टिकल ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन मैं ट्रेनिंग कैसे लूँगा, ये मेरे पर आप छोड़ दें। बहुत कम खर्च करके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और जीवन भर का सपोर्ट एक विशेषज्ञ का पा सकते हैं। एक एक बारीकियों को बताया जाएगा कि किस तरीका से आप बकरी पालन में सफलता हासिल कर सकते हैं, वैक्सीन कैसे लगा सकते हैं, बीमारी का पहचान कैसे कर सकते हैं, पशु को कब क्या खिला सकते हैं, मेमने को मरने से कैसे बचा सकते हैं, क्या वो तरीके होते हैं, सभी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में यहाँ आपको बताऊंगा और आप घर बैठे बैठे उन चीज़ों को सीख पाएंगे। एक डेमो है, कम मात्रा में बना रहा हूँ और आगे चल के और ज़्यादा मात्रा में बनाना है। मैंने जो मक्का खेत से काट के लाया था वो बाल के साथ लाया था, यानी उसमें फल लगे हुए थे और उसमें दाने, देखिए इस तरीका के दाने हो गए थे जो बिल्कुल दुधा हैं दाने, तो उनको मैंने बाल के साथ काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है। देखिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मैं आपको इस पर चर्चा करके सारांश रूप में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये बिल्कुल एक ऐसा डब्बा आपको लेना है
जिसे ऊपर से अगर आप पैक कर दें तो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, यानी हवा इसमें आ जा नहीं सके, यानी हवा इसमें नहीं जाने चाहिए ये साइलेज बनाने के बाद। तो साइलेज बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू होता है कि समय आप लोग का बहुत कीमती है और बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए मैंने देखिए पहले इस पानी में लगभग 5 लीटर मैंने पानी लिया है जिसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। गुड़ मैंने पहले ही डाल दिया है ताकि गुड़ फूल जाए और इसे पानी में आसानी से घुल जाए। और 5 लीटर पानी में लगभग मैंने 1 kg गुड़ डाला है और ये नमक 50 ग्राम के लगभग मैंने नमक डाला है। तो गुड़ और नमक मैंने इसमें डाला है। इस टब के जो मक्के मैंने लाया है इस टब में, इस ड्रम में हमें डालना है। देखिए मैंने डाल दिया और इस तरीका से फैलाकर फिर से इसको पैरों से दबा दूंगा। तो अगर पैर में आप चाहें तो पोलोथीन लगा सकते हैं और ताकि बिल्कुल गंदा ना हो। और मैंने पैर को अच्छी तरीका से धो दिया है तो कहीं से कोई दिक्कत मुझे नहीं है। देखिए फिर से मैंने गुड़ का पानी लिया और ऊपर से इस तरीका से मैंने इसमें दे दिया है। और फिर वही प्रक्रिया मैं दोहराऊंगा, इसमें जाने के बाद इसको अच्छी तरीका से दबा दूंगा, यानी जितना इसे आप दबा पाए उतना ही बढ़िया है। और ये छोटे छोटे जो डब्बे मैं रखा हूँ इधर, तो इस टाइप के डब्बे और इस टाइप के डब्बे जो डब्बे देख रहे हैं इसमें मैं साइलेज बना के रख दूंगा। और ये बरसात में या बाकी दिनों में भी अगर थोड़ा थोड़ा करके भी बकरी को दिया जाए तो बकरी को सेहत को बहुत लगता है। दोस्तों यदि बकरी पालन में आना चाहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बारीकियां हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप या तो आके मेरे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं, या कोई और विशेषज्ञ आपके निगाह में है तो उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप घर बैठे भी मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं एक देसी किसान से, देसी तरीके से। यानी कहीं भी आप हैं, भारत के किसी भी कोने में हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे से ले सकते हैं। एक ऐसा ट्रेनिंग जिसका आपने कल्पना नहीं किया है, बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ों को करके दिखाया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सीख के बकरी पालन करें, बकरी पालन में कभी नुकसान नहीं है, बस नुकसान उनको है जिन्हें करने नहीं आया। और दूसरा में कमी निकालते हैं, मैं यहाँ से बच्चा दे भी दूँ, बकरी दे भी दूँ और जितना मैं कर रहा हूँ उतना अगर आप ना कर पाएँ तो उसका सेहत नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, और दोषी फिर मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि आप उसे खिला नहीं पाए, आपके पास संसाधन नहीं था या फिर आपके अंदर जानकारी की कमी था। देखिए पूरा साइलेज तैयार है, साइलेज तैयार हो गया और मैंने 60 किलो के लगभग बोला था लेकिन ये 100 किलो के लगभग हो गया। मेरा अनुमान था कि इसमें 60 किलो आएगा लेकिन इसे जब प्रेस दिया गया, बैठाया गया, जैसा कि साइलेज बनाने के जो तरीके होते हैं उसके अनुसार ये 100 किलो लगभग इसमें आ गया है। और हमने अच्छी तरीका से इसको करने के बाद, दबाने के बाद, और ये देखिए 100 किलो मक्का और कुछ मैंने इसमें नेपियर भी डाला है क्योंकि मैं 60 किलो का एवरेज मक्का का प्लान करके चला था लेकिन लग गया लगभग 100 किलो, तो मैंने इसमें कुछ नेपियर भी डाला है। और इस तरीका से अंदर देख रहे हैं आप ये है, और इस तरीका से ऊपर से पोलोथीन देकर ये ढक्कन हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। ढक्कन इसको इस तरीका से लगा कर हवा बिल्कुल ना जाए, इसके लिए ऊपर से ईंट हम दबा देंगे। बिल्कुल आपको पैक कर देना है कि हवा नहीं जा पाए। तो दोस्तों बकरी पालन सब लोग करते हैं लेकिन अगर मेहनत किया जाए, तरीके अपनाया जाए और बकरियों के खाने पीने का व्यवस्था सही तरीके से किया जाए तो सफलता तय है। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद दोस्तों।